तरीके के फूले फूले गोलगप्पे के लिए आपको हमारा वीडियो पूरा देखना होगा और इस तरीके के गोलगप्पे आप सब बनाना सीखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो एंड तक देखना। और हम बनाते हैं इस तरीके के फूले फूले गोलगप्पे, तो वीडियो एंड तक देखना। चलते हैं अगले स्टेप की ओर। तो ये बहुत ही ले लिया हमने एक कप गेहूं का आटा, जो हम रोटी बनाते हैं ना वही आटा है को ले लिया। और ये ले लिए, उससे जैसे गेहूं का आटा हमने एक कप लिया, उससे हाफ हमने सूजी ली है बारीक वाली, दर ज़्यादा मोटी वाली सूजी नहीं लेना, दरदरी सूजी लें हमें। इसमें हम डालेंगे एक टीस्पून के करीब ऑयल कर दिया। अब सारे चीज़ों को इसको मिक्स कर लेंगे हम। इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको मसेंगे, आटे का डो लगाएंगे ना। हमें ज़्यादा नरम भी नहीं लगाना डो को और ज़्यादा हार्ड भी नहीं लगाना है। तो इससे क्या हमारी पानी पूरी जो होगी ना बहुत ही खस्ता खस्ता करारी करारी बनेगी। तो इस तरीके से हमें आटे का डो लगाएं, थोड़ा थोड़ा पानी लेके इस तरीके का आटे का डो हमने लिया। ये हमारा टोलिया है जिसको हमने भिगो लिया और अच्छे से फरका फरका कर लिया, यानी कि ज़्यादा गीला नहीं है। अच्छे से हम कवर कर देंगे, इसको हम रखेंगे 20 से 30 मिनट तक, ताकि हमारी जो पूरी है ना गोलगप्पे वो अच्छे हमारे कुरकुरे बने फूले फूले। तो इसलिए हमें इसको रेस्ट पे छोड़ना ज़रूरी है। अब ये हम 20 मिनट तक इसको इस तरीके से ही रख देंगे। और देखते हैं आटे को हमारे 30 मिनट हो गए रेस्ट पे छोड़े, तो आटा अच्छे से फूल चुका है। ये देखिए इस तरीके के आटा का डो होना चाहिए, तो हमारी जो गोलगप्पे है वो अच्छे फूले फूले और कुरकुरे बनेंगे। इसमें से लेंगे छोटी सी लोई हम, और बिल्कुल छोटी सी, और उसको हम इस तरीके से गोल करेंगे। और इस तरीके से हम हल्का सा पलथन लगा के बेलेंगे, पतला सा, थोड़ा से छोटा सा, ज़्यादा पतला नहीं बेलना, ज़्यादा हमें बड़ा भी नहीं करना, क्योंकि छोटी सी लोई हमारी गोलगप्पे की। और ये हम ज़्यादा पतली भी नहीं बनाना है, ज़्यादा मोटी। इस तरीके के हम ढक्कन लेंगे, इससे हम इसका शेप देंगे, अच्छा सा कट करेंगे। और इसको कट कर लेते हैं इस तरीके से। ये बन गया हमारा गोलगप्पा एक। इस तरीके से हम सारे गोलगप्पे बना लेंगे। ये इस तरीके से हमारे गोलगप्पे, देखिए ये है ना बने ना गोलगप्पे के गोलगप्पे। तो सारे इसी तरीके से बना लेंगे हम फ्रेंड्स, इसी तरीके से हम इसको भी हम इसी ढक्कन से कट कर लेंगे। और हमारी चैनल पर नहीं हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब भी करना, बेल आइकन प्रेस करना और घंटे की बटन को भी दबा ही देना। तो इस तरीके से बन गया हमारा दूसरा गोलगप्पा, तो इसको भी रख लेते हैं हम। ये इस तरीके से हम बनाते जा रहे हैं और गोलगप्पे। हमारी वीडियो रेसिपी आपको कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। इसको भी इसी तरीके से कट कर लेंगे। ये देखिए हम है ना दोनों माँ बेटी बनाते हैं, बेटी खाना बनाती है, माँ वीडियो बनाती है। गोलगप्पे की उन बना रही हमारी बिट्टू गोलगप्पे। ये देखिए आपको बता देते हैं, वरना बोलोगे कि आपने गोलगप्पे कैसे बनाए हैं, किसने बनाए, बेटी ने कि माँ ने। तो हमारी बिट्टू बना रही है गोलगप्पे, इसी तरीके से बना लेंगे। सारे गोलगप्पे हमने बना लिए हैं। गर्मियों के मौसम में ना अगर खाने का मन ना हो तो इस तरीके की रेसिपी झटपट बन भी जाती है और खाने में भी टेस्टी लगती है और बहुत ही इजी बन जाती है। इसको भी कट कर लेते हैं इस तरह। हम सिर्फ पे बना के बता रहे हैं, पानी नहीं दोस्तों। अगर पानी वाली रेसिपी आपको चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, उसका उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे। ऑयल हमने पहले गरम कर लिया है और अब हमने गैस कम कर दी है। अब हम एक एक पान गोलगप्पे छोड़ेंगे। और ये डालते से ही फूल गई हमारी पानी पूरी। इस तरीके से हम ठीक, और इसका पानी पूरी अच्छे फूली ना, फूली फूली बनी ना। यही राज है इसका कि इसको जब आटे का डो लगाए ना गोलगप्पे के आटे का डो, तो इसे एक घंटे से 20 मिनट 30 मिनट तक इसको रेस्ट पे छोड़े
और आले कपड़े पे ढक के रखे, और पूरी अभी जो गोलगप्पे की बना के रखे ना वो भी आले कपड़े, तो इसको थोड़ा सा हल्का हल्का सोट आउट और हो जाए। हम थोड़े दो दो तीन तीन इसलिए निकाल रहे हैं ना ताकि हमारे सारे गोलगप्पे फूले फूले बने, और हम ज़्यादा डालेंगे तो कहीं के फूलेंगे कहीं के नहीं, इसलिए हम दो दो ही निकाल रहे हैं। ठीक है, सिक्के फूले फूले से गोलगप्पे तैयार। और इसी तरह से दो से तीन हम इसमें ऐड करेंगे और हलाते ही इनको पकाना है, और उलटते पलटते इन्हें हम अच्छे से सेक लेंगे। सारे इसी तरीके से सेक लेंगे दोस्तों, याद रहे गोलगप्पे बनाए तब विशेष ध्यान हमें आटे का डो पे ही लगाना है, बाकी के तो ये वैसे ही फूल जाते हैं और बहुत कुरकुरे बनते हैं। ये सीख चुके हैं, सारे इसी तरीके से सेक लेंगे हम, तल लेंगे। और ये देखिए सारे गोलगप्पे में से हमारे हमने सात डाले तो कितने फूले, ये देखिए एक रह गया वो उस साइड, इसी तरह इसीलिए हम एक एक दो दो डाल के बना रहे थे क्योंकि इसमें बहुत कम चांस रहते सारे फूले, इसलिए तो ये हमारे हो गए, कुछ कुछ रहेगा इसमें निकाल लेते हैं, इसलिए तो हम एक एक दो दो तल रहे थे। हमने सारे गोलगप्पे इस तरीके से तल लिए हैं, इतने कुरकुरे बने हैं है ना, कितने कुरकुरे से बने ना, वाले पानी पूरी गोलगप्पे बने हैं कड़क कड़क एकदम। और ये देखे ना निकले ना कटोरी की कटोरी अलग, ये इस तरीके से बनते हैं और बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। सिर्फ हमें आटे का विशेष ध्यान देना चाहिए, और ये तो हमने दही के साथ सर्व करी है, ये हमने दही के साथ सर्व करी है, दही के साथ भी बहुत अच्छी लगती है पानी पूरी। और ये हमने पानी के साथ थोड़ा सा रखेंगे उबले दान आलू, हम उबले काले चने, थोड़ी सी सेव जो भी आओ मोटी पतली जैसी भी सेम हो रखी, थोड़ा सा रखेंगे हम प्याज, या हमारा हरा पानी में ग्रीन एनर्जी। और ये हमारा पानी वाला गोल गप्पे रेडी, तो आप भी अपने घर पर ज़रूर ट्राई करिए इस तरीके के पानी पूरी, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे हमारे वीडियो कैसा लगा आपको। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की, नमस्ते, गुड बाय।